मेवात उपायुक्त अजय कुमार के अलाफिया अस्पताल प्रांगण के आने की खबर। नर्सिंग स्कूल की छात्राओं को लगी तो उन्होंने अपना दुखड़ा उपायुक्त के सामने रो दिया। इतना ही नहीं, उपायुक्त अजय कुमार से छात्राओं ने आग्रह किया है कि उनके हॉस्टल व स्कूल की दशा स्वयं जाकर देखी जाए। अजय कुमार ने भी छात्राओं को निराश नहीं किया और काफिले के साथ नर्सिंग स्कूल प्रांगण में पहुंच गए। उपायुक्त अजय कुमार ने वहां पर मौजूद सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आरओ, वाटर कूलर सहित जो भी डिमांड इन छात्राओं की है उन्हें तत्काल पूरा किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने टोटो कहा है कि नर्सिंग स्कूल की हालत के बारे में वो जल्दी ही ACSG अनुपमा से बात करेंगे और इस नर्सिंग स्कूल में सभी सुविधाओं को पूरा कराया जाएगा। उपायुक्त अजय कुमार के इस आश्वासन के बाद पिछले काफ़ी समय से परेशान चल रही छात्राओं के चेहरों पर कुछ मुस्कान लौटाई। कुल मिलाकर हरियाणा के नुहू मेवात में चिकित्सा अनुसंधान विभाग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। शहीद राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड़ की अर्थव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। लगातार मेडिकल कॉलेज नलहड़ का मामला कांग्रेस के तीनों विधायक ही नहीं बल्कि आमजन समय समय पर मजबूती से सरकार व स्वास्थ्य विभाग के समक्ष उठाते रहे हैं। रही सही कसर नर्सिंग स्कूल माडीखेड़ा ने पूरी कर दी है। छात्राओं ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई है कि वह भी हरियाणा की बेटी हैं, उनकी सुविधाओं पर भी सरकार कुछ नजरें इनायत करें ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना पूरी तरह से साकार हो सके। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि उपायुक्त अजय कुमार ने आरओ, वाटर कूलर, एसी सहित जो भी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं उस पर जल्दी ही अमल शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि DMER के तहत यह नर्सिंग स्कूल आता है। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा है कि वह जल्दी ही चिकित्सा अनुसंधान विभाग के आला अधिकारियों से भी नर्सिंग स्कूल की दशा सुधारने के लिए अपने स्तर पर बातचीत करेंगे। कोई उनके लिए कूलर की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट का पानी उन्हें पीना पड़ रहा है। बहुत सालों से लगातार यहाँ पर नर्सिंग स्कूल चल रहा है लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो पता चल रहा था। पानी की समस्याओं के बारे में अभी बच्चों ने बताया, इसके अलावा अभी जैसे ऑफिसर्स ने मुझे श्योर किया है कि शाम तक उस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ जो हमारे इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट से भी टेकअप करने हैं तो वो हम टेकअप करेंगे, उसको स्पीड अप करा के समाधान कराएंगे। सर, जी अनुपमा जी यहाँ बतौर के साथ बातचीत जरूर होगी एंड जो इश्यूज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट से हैं वो हम मैम से एंड डायरेक्टर साहब से टेकअप करेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि तीन दिन से उनका आरओ खराब है, पानी का इशू है और गर्मी का है, तो उसके अंदर हॉस्टल में एसी लगाने का स्टूडेंट्स का प्रोविजन नहीं है। फिर भी जो है ना, हमारे पास दो एसी है जो उनके टीचिंग रूम में और उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे और आरओ को रिपेयर आज ही करा देंगे। दो दिन से खराब पाया गया वो आज ठीक करा देंगे। वाटर कूलर को परचेज करके उनको दे दिया जाए।